होटल जो है ना भाई, या फिर रूम मत लेना। इससे मैंने पैसा पूरा दे दिया ट्रैवल एजेंट को, और ट्रैवल एजेंट अभी ये बोल रहा है कि उसके सामने कोई इशू हो गया है तो मैं पेमेंट आपको बाद में करूंगा। तो ये भाई बहुत बहुत गलत चीज़ लगती है मेरे को, फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है ये चीज़। मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या फंड है भाई, ऊपर इतनी जगह क्यों छोड़ी है, किस चीज़ के लिए। बोला निकी कौन ना हाँ सुरेश बबुआ, रुक गाड़ी आगे लेता हूँ। भाई क्या बादल छाए हुए, देखो मस्त सुबह सुबह को धूप आ रही है, आगे बादल छाए हुए हैं, और अपन और अपनी इनोवा क्रिस्टा। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज चुके हैं 7:10 एंड अभी मैं जा रहा हूँ टू थाने। बहुत दिनों के बाद गोप्रो यहाँ पे माउंट कर लिया है। एंड गाइस आई एम सो सॉरी, कल रात में व्लॉग एंड करना भूल गया था भाई, मुझे पता नहीं चलता, मैं जैसे अपने एरिया में रहता हूँ ना भाई, मैं व्लॉगिंग करना भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। देखो अभी मैं वहाँ पर अपने एरिया छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर व्लॉगिंग चालू कर दिया है। कोशिश करूंगा कि भाई व्लॉग एंड करो, अगर मैं कोई भी व्लॉग में मैं व्लॉग एंड नहीं कर पा रहा हूँ ना भाई, तो प्लीज़ माफ़ कर देना भाई मुझे। भाई आज की जो ट्रिप है ना, आज की ट्रिप ऐसी है कि थाना से कस्टमर को पिकअप करना है, फिर वहाँ से जाना है थाने वागले एस्टेट, फिर वहाँ से जाने का है अंबरनाथ, और फिर वहाँ से जाने का पूना, ठीक है। तो आज का जर्नी ऐसा है भाई, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है दहीसर टोल, और यहाँ पे टोल भर के फिर निकलते फटाफट आगे। आज की जो जर्नी है ना, हमारे साथ राज भी जुड़ने वाला है। तो आज मैंने दो गाड़ी बुक किया था, तो एक मेरी गाड़ी है और एक राज की गाड़ी है। तो राज एक्चुअली अभी लेट आ रहा है, वो बोला मैं आता हूँ 10 मिनट लगेगा मेरे पास जाते, तो बस आगे मिल रहा है एंड अभी हम उसका आगे मिलेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स थाने। भाई राज आ चुका है, राज की गाड़ी के पीछे खड़ी है, बहुत लेट आता, बहुत लेट, और अभी हम लोग अटक गए जाम में। ये जाम देखो यहाँ पे फुल पूरा लाल लाल हो गया है भाई, इसको ने लोकेशन भेज के कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ एड्रेस ही नहीं मालूम इसको, इतना लेट हो गया ना भाई। गाड़ी का हालत देखो, दोनों गाड़ियाँ, मेरे गाड़ी वहाँ पे पार्क किया है, और गाड़ी का हालत देखो। तो मैं ना ये धंधा छोड़ दो टूरिस्ट का, पूरा दुनिया घूम के इधर आया है भाई। नाश्ते में हमको यहाँ पे मिला फिलहाल तो बन पाव मस्का और चाय, वो भी ईरानी चाय, तो हम लोगों ने वो खाया, दो दो भर के मस्त मजा आ गया। राज का पिकअप एक्चुअली थोड़ा सा अलग है, बाजू में एक होटल है, होटल प्लैनेट हॉलीवुड थाने में, तो वहाँ से वो पिकअप करेगा और मैं सरकून के घर से पिकअप करूंगा, उसके बाद पूरा जर्नी टिल अमरनाथ साथ लेंगे। भाई मैंने अभी क्लाइंट का पिकअप किया है, राज बाहर खड़ा है, राज के क्लाइंट के पास ही हम मेरे क्लाइंट आए हैं, मतलब दोनों एक ही कंपनी के हैं, तो मेरे जो सर है ना वो बहुत सीनियर है, तो सर उनका वेलकम करने आया है। अभी हम लोग जिस जगह पे है ना, जार्डस कॉलर्स अमरनाथ, अमरनाथ में MIDC है, तो वहाँ पे है, यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा अलग ही, मतलब क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री वाला स्मेल आता है, तो विंडो सोल आउट नहीं करूँगा, एसी गाड़ी चालू करके सो जाऊँगा कुछ टाइम के लिए। देखो क्लाइंट गए वो कंपनी में, अपनी क्रिस्टा वहाँ पे खड़ी है, और ये राज की गाड़ी देखो कितनी गंदी है। राज की गाड़ी में कोई नहीं बैठा था, लेकिन भाई देखो ये क्या ऐसा गाड़ी कौन नहीं लगता है भाई, और मेरी गाड़ी देखो कितनी क्लीन लग रही है, देखो थोड़ी तो दूरी रखता हूँ, देखो कितनी क्लीन लग रही है, और तुम्हारी गाड़ी देखो भाई। अभी देखो राज आया है, अभी हम लोग जा रहे खाना खाने के लिए, क्लाइंट से बात किया, क्लाइंट ने कहा कि मैं खाना ये पे खा रहा हूँ, तो आप जाओ बाहर खाना खा के आओ आराम से, एंड क्लाइंट को यहाँ पे कम से कम एक घंटा और लगेगा, तो मैं और राज हम दोनों जा रहे खाना खाने को, तो देखते भी आगे कौन सा जॉइंट है, कहाँ पे कुछ मिलेगा। ओ हीरो खाना ऑर्डर किया हम लोग पे, मालूम है ना, इतने ध्यान से देख रहे हो जैसे मम्मी ने लड़की का फोटो भेजा है शादी के लिए। हाँ थैंक यू, बोलो क्या हुआ, नींद आ रहा है, बोल रहा तो सो जाओ ना, सो जाओ, तुम्हारा सर सोने नहीं दे रहा ना, गाड़ी में कोई बैठा नहीं है, इतना आराम वाला ड्यूटी मिला तुमको है, तो भी इतना रोते हो भाई। हमारा खाना हो गया एंड भाई खाने का बिल आया सिर्फ 410, लेकिन हमने जो खाया ना भाई बहुत सही क्वालिटी था। राज का मूड बहुत ख़राब है, बिकॉज कल एक वो ट्रिप पे गया था, हम किसी के कहने पे 5 दिन का ट्रिप था, बेचारे ने बहुत मेहनत की एंड कस्टमर ने पैसा पूरा दे दिया ट्रैवल एजेंट को, और ट्रैवल एजेंट अभी ये बोल रहा है कि उसके सामने कोई इशू हो गया है तो मैं पेमेंट आपको बाद में करूंगा। तो ये भाई बहुत बहुत गलत चीज़ लगती है मेरे को, फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है ये चीज़। अभी इसको इतना टेंशन हो गया कि मैं पैसे कैसे निकालूँ, और अमाउंट कितना है तुम्हारा, 14,000 रुपया। पर एनीवे गाइस कैसे कैसे पैसे तो हम निकाल के ही रह गए, फिलहाल तो जाते हैं, क्लाइंट का फ़ोन भी आ चुका है कि भाई आप आ जाओ पिकअप करने, तो अभी हम जा रहे हैं पिकअप करने उनको। अभी हम लोग आ चुके हैं बदलापुर में एंड क्लाइंट अभी गए हैं उनके फैमिली के घर पे, तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, बिकॉज सर ने कहा कि आधा पौने घंटा है, उसके बाद निकल जाएंगे पूना के लिए। तो भाई मुझे ना बहुत गंदी नींद आने वाली, बिकॉज मैंने पेट भर के खाना खाया है, फटाफट सो जाता हूँ, नैप ले लेता हूँ। और बारिश देखो भाई इतनी, अभी तूफानी बारिश हुई 2-3 मिनट, इतनी भयंकर जोर से बारिश हुई, अभी देखो वापस धूप आ गई है भाई, तो ये है कुदरत का करिश्मा। तो अभी इतने तक विंडोज़ ओपन करके रखता हूँ चारों,
एंड फिर सो जाते हैं, नैप लेते हैं, बिकॉज ड्राइव जितना सेफ रहेगा, जितना माइंड फ्रेश रहेगा ना भाई, इतना ही अच्छा है सबके लिए। सोने को गया था, जस्ट मैंने अपना जो हेडरेस्ट है ना उस पर जो कुशन लगा है उसको जस्ट निकाला, एंड दो मिनट हुआ नहीं सर का फ़ोन आकर कि आप लोग निकलते हैं एंड लेट्स गो टू पुणे। तो गाड़ी जस्ट चालू किया है एंड अभी निकलते हैं पुणे के लिए। लेटर दैट सेम इवनिंग भाई, टाइम हो चुका है 6:50 एंड क्लाइंट को जस्ट ड्रॉप किया है यहाँ पे होटल में रमी में, और अपना जो स्टे है ना वो रमी में नहीं है, एक्चुअली मेरा जो स्टे है वो आज रात को है ट्रिबू में। तो ट्रिबू यहाँ से है अप्रॉक्सीमेट 13 किलोमीटर, तो अभी जाते हैं ट्रिबू के पास। सो गाइस टाइम हो चुका है 7:25 एंड मैं चेक इन कर चुका हूँ होटल। मतलब रुको, रूम इतना भी बड़ा स्पेशियस रूम नहीं है भाई, ठीक है, ये ट्रिबू का होटल है, अभी ये कैसे भी जैसे भी बना है भाई, ठीक है। एक्चुअली इसका जो नाम है ना एक्चुअली है सहारा, ठीक है, लेकिन मैं ट्रिबू कर रहा था। एक्चुअल में जो मुझे बुकिंग वाउचर आना है वो होटल ट्रिबू सहारा करके आया है, तो मैं वो देखा ट्रिबू का लिखा था, दिखा ही मेरे को, फिर मैंने फ़ोन किया तो कोई फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैंने वॉचमैन को पूछा, वॉचमैन बोला हाँ सेलेक्टिव ट्रिबू का यही होटल है, तो फिर मैंने गाड़ी पार्क किया, फिर मैं ऊपर आ गया। तो अभी आप देख सकते हो रूम कैसा है ऊपर, ये पता नहीं क्या स्पेस दिया, लगेज स्पेस दिया है या दो तीन छोटे बच्चे को ऊपर लाके सुला देने का। और ये अपना वॉशरूम, वाटर रूम ठीक है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है लेकिन सही है, नॉट बैड। एनीवेज तो अभी यहाँ पे हम करेंगे विश्राम, आराम, क्योंकि बहुत थक गया भाई, बहुत रात को भी लेट सोया था, सुबह को जल्दी उठा था, एंड अभी भी आते आते ना भाई लोनावला से, मतलब मैं जब निकला था ना फ्रॉम कहाँ कहता ना बदलापुर से लोनावाला का जो रास्ता था ना भाई, इतना गंदा भयंकर बेकार रास्ता था ना भाई, हालत खराब हो गई, उससे नींद आ रही थी, ऐसा चल रहा था। फिर पानी वानी पिया, मुँह धोया एंड फिर वापस मैं सेकेंड टोल पे हम लोग ने एक ब्रेक ले लिया, वहाँ पे मैंने एक मस्त मैटी से कॉफ़ी लिया, कोल्ड कॉफ़ी, बहुत सही लगा। 3 hours later तो ये आके अपना खाना एंड ये है रूम नंबर 209, जाते हैं अंदर एंड मैंने प्लेट भी मंगा ली है, अभी वो प्लेट चम्मच सब लेके आएंगे, खुल जाए भाई, उसके बाद खा लेते फटाफट। तो ये है अपना एग फ्राइड राइस, शेजवान चटनी, बस सिंपल खाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, एंड फिर जाके सो जाऊंगा। इसलिए वीडियो एडिट करने बैठा था यहाँ पे, लेकिन अभी दवाई लूँगा ना, 5 दवाई है मेरी, ये जो नी पेन हो रहा है ना उसकी वजह से, तो फिर मुझे लगता नहीं है मैं ज़्यादा रात को जाग पाऊँगा, एडिटिंग कर पाऊँगा, बट ट्राई करूँगा, हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं भाई। व्लॉग एंड करना है, लेकिन उसके पहले मुझे लेनी है दवाई, क्योंकि मैं वजह से पता आया था कि मेरे आर्म्स क्या नी पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये टोटल 5 दवाई है जो मुझे अभी लेनी है, तो ये लेने के बाद मैं सो जाऊंगा भाई, उसके बाद मुझे ज़रा भी ताकत नहीं है। तो भाई चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल सुबह वापस मिलते हैं, कल राज आने वाला है फ्रॉम मुंबई टू पुणे क्लाइंट को लेके, एंड यहाँ से सर को लेके जाएंगे और हम लोग एक जगह मिलेंगे। तो एक्चुअली राज का आज ऐसा था कि मैं तो वहाँ से निकल गया फ्रॉम बदलापुर टू कम टू पुणे, एंड राज वहाँ से निकल गया टू कम बैक टू मुंबई, क्योंकि वो जो क्लाइंट है उनमें से एक ही फ्लाइट आज, मतलब कल सुबह को अर्ली मॉर्निंग है, एंड जो दूसरे क्लाइंट है उनके साथ गाड़ी में, वो कल सुबह को थाना से निकलेंगे एंड ही विल कम बैक टू पुणे। मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या फंड है भाई, ऊपर इतनी जगह क्यों छोड़ी है, किस चीज़ के लिए। एनीवेज ओके, तो आज कल लोग ये पेन करते हैं भाई, लेकिन ये होटल जो है ना भाई, यहाँ पे रूम मत लेना, बिकॉज खाना पीने का कोई अच्छी सुविधा नहीं है, रूम ठीक ठाक है, सर्विस भी अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कल आपको उसका पूरा रिव्यू दूंगा। हाँ गाइस, मैंने पहले भी कहा था कि देखो व्लॉग एंड करता हूँ जब मैं अपने घर पे रहता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं वॉट एवर रीजन में भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैंने देखो व्लॉग एंड कर दिया। तो चलो गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।